हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी टीसीसी एक्सचेंज में टीसीसी परचेज किए हुए हैं तो आपके लिए भी ये खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीसीसी एक्सचेंज के आप होम स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है जिसमें बताया गया है कि आप 10 अगस्त से पहले पहले अपने टीसीसी जो आपके इस वैलेट में हैं उनको अपने अकाउंट जो लैंडिंग वैलेट में आपको लॉगिन करके एक अकाउंट वहाँ पर बनाना है और उसमें अपने सारे जो टीसीसी हैं वहाँ पर सेंड कर लेने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टीसीसी को लैंडिंग वैलेट में कैसे सेंड कर सकते हैं और वहां पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। देख लीजिए, मैं अपने सारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका हूं, अपने सारे जितने भी मेरे टीसीसी थे यहां पर मैं सारे अपने लैंडिंग वैलेट में भेज चुका हूं। मेरे पास 4891 थे, वो वहां पर पूरे मैं भेज चुका हूं। आपको भी मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से आप अपने सारे टीसीसी को लैंडिंग वैलेट में भेज सकते हैं और किस तरह से वहां पर अकाउंट बनाकर आप आसानी से यहां से भेज पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा हमारा ये वीडियो इसी बारे में है। हाँ तो दोस्तों, जो मैसेज टीसीसी के वैलेट में जो शो हो रहा है वो मैसेज उस लिंक के साथ जिस पे आपको क्लिक करके ये साइट आपके सामने खुलेगी, मैं सारा वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, आप वो मैसेज भी पढ़ लीजिएगा और उसमें दिया हुआ लिंक जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पर पहुँचेंगे, या आप वैसे भी अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में जाकर आप टाइप कर सकते हैं गूगल में tccworld.org, तब भी आपके सामने ये साइट यहाँ पर खुल जाएगी। आपके सामने जो क्रिएट वैलेट लिखा आएगा, आप इस पर क्रिएट वैलेट पर आप क्लिक करेंगे और उसके साथ आपके सामने आपका वैलेट की डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपको नाम की जगह पूरा नाम लिखना है, ईमेल आईडी में अपना वही ईमेल आईडी और नाम वही देना है आपको। पासवर्ड आप यहाँ पर नया बनाएंगे, पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये चारों आ रहे हों, चारों आने चाहिए। इसी प्रकार से कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा डालेंगे और पासफ्रेज में, पासफ्रेज का जो है इसमें बहुत ही हमारे दोस्त बहुत ही विचलित हो जाते हैं कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये भी एक तरह का पासवर्ड ही है और ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड है आपका। इस वैलेट में जो भी आपका लेन देन होगा पासफ्रेज वाला जो है ये पिन, इसके द्वारा ही आपका सब लेन देन होगा। आपको जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपको ये ज़रूर डालना पड़ेगा, जैसे आप UPI से ट्रांजैक्शन करते हो तो UPI पिन वहाँ पर डालना पड़ता है, उसी प्रकार से पासफ्रेज वाला पिन आपको यहाँ पर डालना होगा और ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये रिकवरेबल नहीं है। आप इसको दोबारा अगर आप भूल गए तो ये आपको कहीं से नहीं मिलने वाला, इसलिए ये आपको याद रखना है। तो आपको मैं बता दूं कि आप पासवर्ड कैसे दे सकते हैं। पासवर्ड कैपिटल लेटर ऐसे बड़े अक्षरों में, स्मॉल लेटर ये छोटे अक्षर हैं आपके सामने, स्पेशल कैरेक्टर ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं आपके सामने जो भी हैं ये, और नंबर ये है ये 1 2 3 4 5, इस तरह से ये नंबर हो गए आपके। इस प्रकार का पासवर्ड कुछ भी जो बनाएंगे वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आप फिल करके और कंडीशन पे ओके कर देंगे और उसके बाद क्रिएट वैलेट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वैलेट तैयार हो जाएगा। वैलेट तैयार होने के बाद कैसा होगा वो मैं आपको अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने जो आपका क्रिएट वैलेट होने के बाद, मतलब जैसे आपका वैलेट तैयार हो जाएगा लैंडिंग वैलेट, तो वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा TCC बैलेंस वहाँ से 4891 मेरा पूरा आ चुका है पॉइंट के साथ, ठीक है। ये मैं अपने पूरे यहाँ पर TCC ला चुका हूँ। ये किस प्रकार से लाने हैं आपको वो मैं भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे माई वैलेट एड्रेस जो लिखा है, ये वैलेट एड्रेस आपको यहाँ से कॉपी करना है। इसी के सामने जो दो पेज का निशान जो दिया हुआ है ये कॉपी करने का निशान है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप सीधे अपने उसी वैलेट में, लैंडिंग वैलेट से एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है सेंड TCC टू लैंडिंग वैलेट। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा, वहाँ पर आपको एड्रेस अपना कॉपी कर देना है, कॉपी जो किया हुआ है आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके नीचे आपको अमाउंट आएगा लिखा हुआ, वहाँ पर अपने TCC आपको वहाँ पर भर देने हैं और उसके बाद सेंड पर क्लिक करते ही आपके TCC आपके लैंडिंग वैलेट में पहुँच जाएंगे और आपका यहाँ का बैलेंस खाली हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने TCC बचा सकते हैं। इस काम को 10 अगस्त से पहले पहले ज़रूर कर लीजिए, इसी प्रकार से आप अपने TCC बचा पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा
लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके आगे की स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो वहाँ पर आपको मैं सेंड करके भी दिखा देता। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।